हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में स्टडी विद राउत सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 12 एक्सरसाइज 4.1 सम नंबर 7। सम नंबर 7, यस गाइज, 7 सम पे हम प्रूव दैट डिटरमिनेंट, भाई ये जो निशान होता है ना, ये साइन भी डिटरमिनेंट का ही होता है दोस्तों। डिटरमिनेंट से एक्स माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके सामने है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। क्या प्रूव करना है इसको? इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इसका मतलब क्या है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब रहेगा, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है अपन, वैल्यू चाहे कुछ भी हो बट उसमें थीटा नहीं आएगा भाई। क्या आएगा? थीटा नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब इसका आंसर 1 में आ सकता है, 0 में आ सकता है, बट साइन में कोस में थीटा में तो आएगा नहीं, ठीक है। तो अभी इसको सोल्व करेंगे ना, तक पता चलेगा इसका आंसर आएगा क्या, बट थीटा में नहीं आएगा, क्योंकि अभी प्रूव इस तरीके से करना है, प्रूव दैट डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब इंडिपेंडेंट थीटा मतलब थीटा से स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होता है ना, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं भाई, सोल्व करने के बाद में पता चलेगा कि इसका आंसर बनता क्या है। मेरे हिसाब से 0 बनेगा, ठीक है, बाकी सोल्व करने के बाद में पता चलेगा कि थीटा के इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट का जो अपोजिट होता है ना, वो क्या होता है भाई? इंडिपेंडेंट का अपोजिट होता है डिपेंडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इसको प्रूव करना है। तो इसको करना शुरू करते हैं, यस गाइस। तो इसको भी हम एक काम करते हैं ना, एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन कर देते हैं, ठीक है। तो जो बनेगा क्या बनेगा? एक्स इंटू में फर्स्ट रो छोड़ देनी है, फर्स्ट कॉलम छोड़कर क्या बचा? माइनस का एक्स वन एक्स और एक्स, इस तरीके से ये वाला बचा भाई। माइनस के साइन थीटा सेकंड एंट्री है, सेकंड एंट्री पे निशान तो माइनस का रहता है, माइनस के साइन थीटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़कर क्या पढ़ना? माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, अच्छा फर्स्ट सेकंड कॉलम छोड़ता है अपना, तो ये वन और एक्स बचा गया यहां पे, ठीक है। प्लस कोस थीटा इनटू में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़कर क्या बना? माइनस के साइन थीटा cos थीटा, ठीक है, माइनस का x और 1, इस तरीके से बचा भी, ठीक है। इसको और अगर हमें सोल्व करते हैं ना तो बनेगा क्या? और सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा भाई? इज इक्वल टू में एक्स रुकवा लो, ये इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई कराने पर बनता है माइनस के एक्स स्क्वायर, 1 जब 1 होता है पर माइनस का 1 लिखा जाएगा, इसे स्टेप पर माइनस है ना, माइनस करके भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई, एक बार तो साइन थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा इनटू में ये हो गया माइनस की एक्स साइन थीटा, माइनस की एक्स साइन थीटा, ये हो गया माइनस के कोस थीटा इनटू में प्लस से कोस थीटा इनटू में, यहां से जो मल्टीप्लाई आएगी दोस्तों साइन और 1 की मल्टीप्लाई साइन थीटा बनेगी, माइनस की साइन थीटा बनेगी, माइनस के साइन थीटा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस, इस स्टेप पर माइनस 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 हो गया, प्लस एक्स और कोस की मल्टीप्लाई एक्स कोस थीटा, एक्स कोस ऑफ थीटा, यस गाइस, यहां तक पहुंचे अपन। ये अपन क्या करेंगे भाई, इसको इसकी जो इसकी क्या, इस ब्रैकेट खोल देंगे, मतलब इस एक्स को भीतर ले जाएंगे, इस साइन को अंदर ले जाएंगे, इस कोस को अंदर ले जाएंगे, तो क्या आता है? इसको अंदर ले जाते हैं ना तो क्या आता है, यह आ जाएगा माइनस के एक्स क्यूब, एक्स की मल्टीप्लाई हुई, ये बड़ा माइनस का एक्स माइनस, अच्छा भाई माइनस है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस है, एक तो ये एक्स रहा कोई बात नहीं, एक्स साइन स्क्वायर बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। माइनस ये है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, प्लस के साइन थीटा इनटू में कोस थीटा, सही है, यस गाइस, ये होएगा माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, यस गाइस, प्लस रहेगा प्लस एक्स इनटू में कोस स्क्वायर थीटा, मुझे तो ये लगता है इसका आंसर आएगा 1 में,
वन में या जीरो में तो आएगा ही आएगा। चलो देखते हैं, मैंने अभी देखा नहीं इसका आंसर। साइन थीटा कोस थीटा, ये देखो प्लस क्या है, ये वाला हो गया माइनस का, ये इसको काट देगा। प्लस में या माइनस में बच्चों आपको पता है कि वैल्यूज कट जाती है, प्लस माइनस में वैल्यू कट जाती है, सेम हो जाता, ठीक है। और आप देखते हैं ना, ठीक है, सही गाइस। अब क्या करते हैं भाई, यहाँ पे क्या चल रहा है, एक्स क्यूब चल रहा है, माइनस की एक्स क्यूब, माइनस की एक्स क्यूब है, माइनस की एक्स प्लस के, यहाँ से देखो एक्स कॉमन है, इसमें से और इसमें से, दोनों में से एक्स कॉमन है। जब एक्स कॉमन निकला ना, यहाँ से बना साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से बना साइन स्क्वायर थीटा, वहां से बनेगा प्लस की कोस स्क्वायर थीटा, प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, ये तो देखो देखो वन बन गया। वैसे ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा तो हो ही गया ना, एक्स में वन वाई की वैसे इसकी कोई बात नहीं। माइनस के एक्स क्यूब है, माइनस का एक्स है, ठीक है, प्लस का एक्स है। यस गाइज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, तो ये तो बदल गया आपका एक में, एक एक्स वन जा एक्स लिखा जा रहा है, माइनस का एक्स हो गया और प्लस का एक्स हो गया, ये वाला इस एक्स को भी काट देगा, थीटा तो नहीं रहा है इसमें। कुल मिला के इसका जो आंसर बना वैसे माइनस के एक्स क्यूब बना, माइनस के एक्स क्यूब बना, इसका मतलब क्या है, क्या इसमें थीटा है, आप बताएंगे क्या इसमें थीटा है, नहीं थीटा तो ये लिख देंगे आंसर क्या लिखना है, हेंस डिटरमिनेंट, यस हेंस डिटरमिनेंट्स इज ए, हेंस डिटरमिनेंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, हेंस डिटरमिनेंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, दिस इज आवर आंसर, हेंस प्रूव्ड, यस आंसर सॉरी नहीं लिखा था, हेंस प्रूव्ड लिख देना है, हेंस डिटरमिनेंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। हमने क्या नोटिस करा भाई, यहाँ पे जो वैल्यू आई थी एक्स क्यूब आई थी, मतलब इसमें थीटा नहीं आया था, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, तो लिख देना हेंस दिस स्टेटमेंट इज दिस डिटरमिनेंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, दिस इज आवर आंसर। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।